लगदा अधूरा रे जाना वो एक तरफा प्यार मेरा ऐनी किस्मत नहीं मेरी कि तू हो जाए मेरी। Thank you so much. This announces the official launch of the song Any Kismat only on United White Flag. Let's give it up for the song, everybody, please. यार पीछे मेरे लोग भी खड़े, ताली बजा दो यार। I love you people. I love you. यू गाइस लाइक पहले दिन शूट पे मेरा बाइक वाले सीन पे मेरा पाँव जल गया एंड इट्स स्टिल देयर। वो जो स्टेन था अभी तक वहाँ पे, यू रिमेम्बर दैट। दाग अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली, दाग बहुत अच्छे होते हैं। शी वांट्स टू मेक इट टैटू। दैट्स अ लकी मार्क फॉर यू। And one more thing, I will cherish this moment for my life because sitting with these people is like on nine cloud feeling. So thank you everyone, thank you so much. Thank you. मुझे नहीं बताया किसी ने यार। अच्छा राजेश जी बोला तो भी होगा डेफिनेटली। मैंने बोला तेरा कंपोजिशन पे लगा। नहीं, आई थिंक बिल्कुल पारुल आपने सही कहा। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक और जब मैंने अब तक बहुत कम म्यूजिक वीडियोस किए हैं लेकिन जो किए हैं बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया उसे। दिस वॉज वन ट्रैक जब मैं पहली बार सुना इंस्टेंटली आई कनेक्टेड बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक विच हैज़ अ लॉट ऑफ सोल और स्पेशली जिस तरह तुषार ने गाया है यू नो और उसके बाद राम जी ने डायरेक्ट किया है एंड यू नो पीपल लाइक इफ़ आई मे से राजेश जी उदित एवरी वन यू नो रंजना फॉर दैट मैटर। अभी रंजना ने कहा कि टीम बहुत अच्छी है तो अच्छी टीम कोशिश करती है चीज़ अच्छी बने यू नो क्योंकि सबने बहुत मेहनत की है और हम सब ने कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे नीयत के साथ विद गुड इंटेंशंस हमने कोशिश की कि ये अच्छा प्रोडक्ट बने और लोगों से इन्जॉय करें। जब थॉट ऐसा शुरू से ही तो चीज़ अच्छी ही बनती है। मुझे याद है कि हम लोग जब आर्मेनिया में शूट कर रहे थे ईयर वन, फॉर मी इट वाज लाइक अ न्यू प्लेस आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ अस और ब्यूटीफुल प्लेस लवली पीपल और उसके बाद इतना अच्छा गाना विद राम जी यू नो एंड हिज फ्रेम्स विद ब्यूटीफुल कास्ट गुड लुकिंग थ्री ऑफ अस इफ आई मे टेक दैट लिबर्टी टुडे आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया मुझे और मैं सच कह रहा हूँ ये एक ऐसा गाना है जिसको मैंने सुनाया पहली बार उसने कहा इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, ऑडियो बहुत अच्छा है, वीडियो दिखाओ। तो आज फाइनली वीडियो भी इट्स आउट एंड इट्स आउट देयर। यू गाइस कैन प्लीज वॉच इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, गिव इट लॉट ऑफ लव। मैं चाहता हूँ कि देखिए बहुत मेहनत से चीज़ बनती है, हम सब जानते हैं। एक अच्छी टीम जब आती है बनाने और इसमें से कई लोग हैं जिनके आई थिंक मैं कहूँ एक डेब्यू हुआ है कि उनकी शुरुआत हुई है इंडस्ट्री में, खास करके रंजना की। सो प्लीज़ गिव अ लॉट ऑफ लव एंड या सो जी। सी रोमांस एंड मी ऑब्वियसली गो हैंड इन हैंड बिकॉज मैंने बहुत रोमांस किया है ऑन स्क्रीन। लेट मी क्लियर दैट फर्स्ट, ऑन स्क्रीन मैंने बहुत रोमांस किया है। और जब मैंने गाना शूट किया आई वॉज डूइंग अ शो विच वॉज कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट, आई वॉज बीइंग अ वॉरियर। तो उस पूरे एक्शन पैक्ड सीन से निकल कर आके रोमांस करना, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा चेंज था बिकॉज वहाँ मैं तलवारबाजी कर रहा था, घुड़सवारी कर रहा था अपने सेट पर यहाँ बॉम्बे में, और फिर मुझे इन्होंने कहा चलिए शूट करना है दो दिनों के लिए इन दिस ब्यूटीफुल लोकेशन, अमेजिंग टीम, ब्यूटीफुल म्यूजिक, इट वॉज अ परफेक्ट सेटिंग। लास्ट टाइम भी थोड़ा स्लो हो गए थे लेकिन अभी कंटिन्यूस हमारे एवरी 10 डेज एक सॉन्ग आते रहेंगे नए। व्हिच इज गुड, किसके बारे में? एनी किस्मत बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है ये, इट्स लाइक अ शॉर्ट मूवी
एंड अभी तो पार्ट वन आप बोल रहे थे पार्ट वन आया, तो पार्ट टू भी इसका ऑफ कोर्स लाएंगे हम। थैंक यू सर, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। बस सर ऐसा है कि मैं मर गया हूँ पार्ट वन में, तो मुझे किसी ना वापस ले आएगा अच्छा लगता है कि मैं वापस आ गया, पुनर्जन्म ऐसे बहुत हुए मेरे शोज में, इसमें कर दीजिएगा प्लीज। और विल डू ए प्रीक्वल, प्रीक्वल, प्रीक्वल सर। See, मेरी जो एक इमेज है इज मोर ऑफ ए आई डोंट नो बट या सेल्फ प्रोक्लेम्ड रॉकस्टार पीपल से कि धमाल करना, बिकॉज मेरे को लगता है कि एक आर्टिस्ट का उद्देश्य होता है और होना भी चाहिए कि जो उसके लोग हैं, उसके जो फैंस हैं, जो ऑडियंस है, उनको वो उन दो घंटों तीन घंटों के लिए और अपने म्यूज़िक से जो भी उनके पीड़ाएं उनके जीवन में चल रही है वो सब भुला करके उस मोमेंट में जिए। ये हर आर्टिस्ट का उद्देश्य होता है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो अपने आर्ट के थ्रू। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा सोलफुल करना चाहिए, मेलेडियस करना चाहिए कि जो मुझे पर्सनली ज़्यादा पता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि मेरा फोटे एक्चुअली बैलेट्स है, अच्छा म्यूज़िक है, म्यूज़िक सब हरी सब म्यूज़िक अच्छे ही होते हैं, आई शुड नॉट से दैट, बट तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छे लिरिक्स मेरे सामने आए जो गोपी ने प्रोवाइड किए, तो उस पर धुन पे काम चलता चला गया। मुझे एक डेढ़ महीना लगा इसको ठीक करने के लिए, जाता था, सो जाता था, फिर पाँच दिन बाद हाथ लगाता था, करते करते एक उसका खांचा बहुत अच्छा बना, तो मैंने कहा मुझे लगा कि अच्छा बन गया है। फिर उदित भाई, देन फिर वहाँ से एक कहानी शुरू हुई कि अब इसको बड़ा करेंगे, इसको इंडिया के बाहर शूट करेंगे, तो मतलब एक्साइटमेंट। फिर उसके बाद में जो प्रकृति की मार कोविड के रूप में पूरे समस्त संसार को देखने के लिए मिली, तो सभी लोग थोड़ा हिल गए उससे, जैसे हम भी हिल गए। सो देन इट चेंज एंड देन वी डिसाइडेड दैट लेट्स मूव द पेस। जब बीच में एक टाइम आया, देन आई वॉज लकी इनफ टू बम्प इन टू हिम ऑन रोड, तो हैविंग कॉफ़ी। So I was like, wow, this guy is cool, and मैंने like बोल दूँ पहले बता दे क्या बोल रहा है मेरे को। So I asked him how popular you are. Seriously? I asked him how popular. So he was like, out of 100, hardly one or two people end up saying that how popular I am. I was like, and he sounds so genuine and so honest. So there was nothing like that. You know, he's trying to fake it up or make it up, but that was coming straight. एक आईना होता है, आपको साफ शक्ल दिखाता है। तो आप इन फील्ड में काम करते हैं काफ़ी समय से, तो आपको भी अपने तजुर्बे अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। आई वॉज लाइक दिस गाई, फिर मैंने चेक्ड हिम, बिकॉज मैं टेलीविजन सीरियल्स कम देखता हूँ, उसमें बहुत बड़ा रीज़न मेरी माँ और मेरी ताई जी परिवार की औरतें हैं, क्योंकि वो एक एक सीरियल तीन तीन बार देखती है रिपीट मोड पे घर के अंदर। सो आई वॉज डिसकनेक्टेड एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट हिम, वाओ ही इज बिग, okay, he's humble, wow, and he's bloody talented, yes, which makes him seriously great, means, yeah, person. Yeah, so phir aise baat badhti chali gayi, phir Udit bhai ne inke sath meeting kiya and everything was finalized and we landed up in a sari baatein kalpanik hain, inka vastavik se koi mel nahi hai, but main itna kehna chahta hu Tushar, let me be honest, it's a great team, yeah, bar bar main Parul se bhi keh raha hu ki jab achhi team sath mein aati hai तो बहुत मज़ा आता है, और मज़ा इतना आया कि वो आपको स्क्रीन पे दिखने वाला है। ऑफ कोर्स, सब 100 बातों की एक बात, हमें बहुत मज़ा आया काम करते हुए, और उम्मीद है कि ये गाना जिस तरह तुषार ने गाया है, मैंने और अंजना ने फीचर किया है, जिस तरह यूनाइटेड वाइट फ्लैग ने इतना सपोर्ट किया है, उदित भाई अपने, राजेश जी, एवरी वन गिवन अ लॉट फॉर दिस सॉन्ग, एंड वी आर होपिंग कि लोगों को ये गाना बहुत पसंद है। बताया कि गोपी मेरे को फर्स्ट टाइम मिला, तो मुझे ये लिरिक्स बहुत अच्छे लगे, मैंने इसको अपने लेवल पे जो बेस्ट हो सके उस पर वर्किंग स्टार्ट करी। तो मैं गोपी के बाद सीधा तुषार के पास गया, तुषार से बात करी, मैंने कहा तुषार आप अपनी वोकल देखो इसमें आती है अच्छी कि नहीं, तो तुषार की वोकल मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर एवी सरा किया, जिसने तितलिया सॉन्ग किया हुआ है अफसाना खान के, तो मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ, तो मैंने ट्रैवलिंग बहुत करी है लॉकडाउन सेकंड लॉकडाउन में, मतलब दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से बॉम्बे, बॉम्बे से मतलब इस तरीके से। उस उन दौरान क्या हुआ कि घर पे थे हम लोग,
तो मैं, मेरी डॉटर, मेरी मदर, हम तीनों कसम शो आता था, रिपीटेड शो जी शरद भाई का। तो मैंने कास्टिंग में सोचा कि नहीं यार, शरद को हम इसमें कास्ट कर सकते हैं, शरद से बात कर सकते हैं, क्योंकि शरद की मतलब एक अलग ही एक औरा जो है वो पूरा रोमांटिक हीरो वाला है। तो मैंने कहा यार जी जाएगा। तो फिर मैंने शरद भाई को टच किया, मतलब इनको भी लकीली ये सॉन्ग पसंद आया, मेरी मेहनत नहीं बिल्कुल। हाँ, उसके बाद चलो कोविड में कुछ अच्छा तो हुआ मेरे लिए। तो मैंने डायरेक्टर को टच किया, रामजी गुलाटी, उनसे बहुत प्यार है मेरा। तो उन्होंने कहा कि यार और अच्छा कर सकते हैं। मैंने कहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रामजी ने सजेस्ट करी रंजना कि हम रंजना को कास्ट कर सकते हैं, ठीक है, मुझे अच्छा लगा। तो एक अच्छी सी जोड़ी बनी, अच्छी सी टीम बनी, और मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करने में। और इन लोगों ने सबने अच्छा एक मुझे प्लेटफॉर्म दिया और ये रिलीज पे लेके गए। तुषार का थैंक्स, शरद, रंजना, जतिन जी, यूनाइटेड, इनको भी बहुत अच्छा लगा ये सब, तभी इन्होंने इस अपने साथ हमें जोड़ा। और मुझे सबसे अच्छी खुशी लगी कि इन्होंने पार्ट टू भी गाना इतना ब्यूटीफुल बना है, 3.5 मिनट के गाने में आप समझो पूरी स्टोरी आ गई है, शॉर्ट मूवी बिल्कुल। और वो देख के हमारा विचार हुआ अभी हम का पार्ट टू बनाएंगे। ये भी हो सकता है कि रामजी दुबई में वेब सीरीज के पार्ट टू हम प्री प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, गाने का पार्ट टू डेफिनेटली इसका पार्ट टू बनाएंगे। अभी शरद भाई बोल रहे थे एक मेरा हूं नहीं क्या, इट कांट हैपन बिना पार्ट टू, इट कांट हैपन विदाउट हिम। नहीं देखिए देखिए पारुल, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बट जैसे हमने कहा लेट्स टॉक अबाउट कमिंग टू द ग्राउंड रियलिटी। अब ऑब्वियसली गाना अच्छा है, बहुत अच्छा शूट हुआ है, गाना आज रिलीज़ हुआ है, अब लोगों को ऑब्वियसली वो गाना उतना अच्छा लगेगा। उसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, एंड वी आर होपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड कि उतने लाइक्स आएंगे, उतने व्यूज़ आएंगे, बिकॉज इट्स इन टूडेज़ वर्ल्ड हम देखते हैं कि ओवरऑल गाना कैसे वो रिसीव हो रहा है। अभी तो गाना बहुत अच्छी तरह रिसीव हुआ है, टीज़र बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, सो वी आर होपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड दैट इट्स रिसीव वेरी वेल। मेरे फ्रेंड्स को मैंने एक्चुअली आज बम्बार्ड कर दिया बिल्कुल, इतने व्हाट्सएप मैसेज भेजे मैं सबको और डीएम्स भेजे कि बेचारे मतलब नहीं भी देखने से फिर भी उन्होंने देख ही लिया होगा। और सबने बस एक ही बात बोली, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल इमोशनल, इट्स अ सोफुल ट्रैक, एंड इट स्टार्ट्स ऑफ ब्यूटीफुली, इट एंड्स ब्यूटीफुली। जैसे अभी तुषार ने कहा, बहुत साफ सुथरा गाना है, इसमें कुछ भी ऐसा अश्लील नहीं है अगर मैं कहूँ, जो शायद आप अपने फैमिली के साथ ना देख सकें। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फैमिली आउट एंड आउट क्लीन ट्रैक। एंड लेट मी टेल यू, हिज डॉटर, उदित्स डॉटर इज आवर बिगेस्ट क्रिटिक। ओके, हाँ, कितनी बड़ी उनकी क्या उम्र क्या होगी? 9 years एंड शी इज द वन हू सेज गाना अच्छा है, गाना अच्छा नहीं है, राइट? एक्चुअली एंड शी सेड, आई थिंक जब गाना रिकॉर्ड हुआ था, कि इट्स अ वेरी गुड ट्रैक, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक। तो अगर बच्चों को ही पसंद आ रहा है, सो यू कैन इमेजिन दैट वी आर होपिंग। मुझे बोला भी कि मैं पापा शाम को रील बना के भेजती हूं। अच्छा, मतलब अपनी तरफ से वो जी नहीं यार, मेरे डायरेक्टर रामजी गुलाटी हैं यार। और अच्छा, नहीं मेरी खुद की बात करें तो फिर वो उसके अलग से हम प्रेस कॉन करेंगे, वो लंबी बात जाएगी। बट यस, डेफिनेटली एट द मोमेंट आई एम लविंग बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहा हूँ जो मैं धीरे धीरे बताऊँगा आप लोगों को, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ भी आ रहे हैं अभी। तो अभी बोलते ना, एक टाइम आया है जब बहुत सारी चीज़ें जो थी जो मैं पहले कर चुका हूँ, अब रिलीज़ होंगी, अब आप लोग देखेंगे। जैसे आज ये हो गया है, एंड आई एम होपिंग कि आगे चलकर भी इन द कमिंग वीक्स आप लोगों से बहुत ज़्यादा मुलाकात होगी मेरी जी। Parul, your question is a very, very dangerous man. Yeah, very dangerous question. You say heartbreak and you laugh. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay. Yes. Okay. What comes to your mind? What comes to my mind? Definitely, yaar. I think we've all been through heartbreaks and we've been through great moments in life. So somewhere you kind of connect. अगर मैं कहूँगा नहीं तो obviously बहुत बड़ा झूठ होगा. But artists हैं, emotions से खेलते हैं हम सब. All of us out here. It has to, see, that's what I'm saying. It's a song which is full of emotions. The way even Gopi Paji's written the lyrics, it's beautiful.
मतलब तो आप ऐसा ही गाना सुनेंगे जहाँ पे हार्ट ब्रेक हो रहा है, इट टेक यू बैक इन टाइम, यू नो, चाहे जब भी हो, बट यू विल ऑब्वियसली लाइक टू कनेक्ट एंड रिलेट टू इट. आप बताइए आपका कौन सा वो हार्ट ब्रेक था जिसको देख के आपने गाना गाया? मैं जब गाना शुरू किया मुखड़ा तो पहला हार्ट ब्रेक याद आया, अंतरे में दूसरा आया, फिर उसके बाद के तीसरे अंतरे में तीसरा आया. तो इमोशंस मेरे चेंज होते गए, सो इफ यू सी सो इट्स वे इज इट वेरीज बट फर्क पड़ता है. बिल्कुल. सबकी लाइफ में सबका पास्ट होता है, सबके, मुझे नहीं लगता ऐसा हम में से कोई भी इंसान इससे ज्यादा आगे मत बोलिएगा नहीं तो ये सब आगे चलता रहेगा. यही चाहती हैं वो कि आप बताइए कौन सा हार्ट ब्रेक हुआ आपका. नहीं, इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग टाइम, सबकी लाइफ में होता है. और मुझे लगता है लाइफ में ऐसी चीजें होनी भी चाहिए क्योंकि इसका आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको एक्सपीरियंस मिलता है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग टू यू. सो व्हाट टू से, ऐसी किस्मत नहीं मेरी. It's a perfect, yeah, perfect heartbreak. Yeah, yeah. That was the idea. Yeah. So, thank you everybody. Thank you guys. For giving time and wish you all the best. Thank you. We love you. Thank you. Thank you.